बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई कोरोना की सर्वदलीय बैठक जो है वो खत्म हो गई है। बैठक खत्म होने के बाद साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में कोरोना को लेकर स्थिति काफी भयावह है, जिस पर तमाम पार्टियों से राय ली गई है। रविवार को अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद फैसला लिया जाएगा। और सब लोगों ने अपना विचार रखा और आपको हम पहले बता चुके हैं कि आज भी इसको लेकर के उनकी बात को लेकर के लोग जो क्राइसिस मैनेजमेंट कर होता है उसके द्वारा सब देखा जाएगा और कल जो हर डिस्ट्रिक्ट के साथ बैठक हो जाएगी डीएम वगैरह के साथ और सारी जानकारी तो कल फिर बैठक हो जाएगी और उतना करने के बाद कल फिर आपको आफ्टरनून में हम लोग आमंत्रित करेंगे और जितना कुछ भी निर्णय हुआ कल ही इसके बारे में। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को जमानत मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आवास पर खुशी का माहौल देखने को मिला है। वहीं कार्यकर्ता अलग अलग तरीके से खुशी जाहिर करते हुए नजर आए। इस मौके पर कार्यकर्ताओं के आंखों में खुशी के आंसू भी छलक पड़े और भावुक होते हुए वे रोने लगे। इस दौरान लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव राबड़ी आवास से बाहर निकलते हुए नजर आए, लेकिन मीडिया कर्मियों से बिना बात किए वो अपने आवास की तरफ चले गए। लालू यादव हमारे कब से हम लोग इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि लालू जी हम लोग के बीच में आए और हम लोग को रास्ता दिखाए। हम लोग अंधकार में जी रहे थे इतना दिन, लगातार तीन चार सालों से होली हम लोग नहीं मना रहे। हम लोग संकल्प लिए थे कि जब तक लालू जी नहीं निकलते हैं बाहर तब तक हम लोग होली नहीं मनाएंगे, न दिवाली मनाएंगे। लालू जी जिस दिन आएंगे